हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्मार्ट कुक चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीषा है। आज मैं अरवी की सब्ज़ी बना करके दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और घंटी का बटन दबा करके प्रेस कर ले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिलती रहे। अब हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, अब बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने अरवी ले ली है, करीबन आधा किलो है ये। अब इनको हम छील लेंगे चाकू की मदद से। जैसे आलू को छीलते हैं ऐसे इनको छील लेंगे। यहाँ मैंने छील के और पतली पतली स्लाइस में काट ली है। यहाँ मैंने टमाटर लिया है और क्या इनकी सबकी प्यूरी बनाऊंगी। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सबको मैं इनको मिक्सर में डाल के पीस रही हूँ। इनकी प्यूरी बनाकर सब्जी में डालेंगे। चार पांच मिर्ची भी ली है मैंने, जो बीच में से तोड़ के और मिक्सर में डाल रही हूँ। यह हमारा प्यूरी बन के तैयार हो गया है। यह मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और इसमें जीरा डाल दिया। एक बारीक कटी हुई प्याज मैंने रख ली थी, जो मैंने तड़का के लिए रखी है वो मैंने डाल दी। दो हरी मिर्च डाल ली है मैंने, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, इसके बाद प्यूरी डालेंगे। ये मैंने प्यूरी डाल दिया है, हमारी प्याज बन गई है। एक मिनट के लिए इसे पकाएंगे। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, इसे चला लेंगे अच्छे से। अब जो अरवी काटी थी वो डाल देंगे। गाइस, ज़्यादा मोटी ना काटे इनको, पतली पतली स्लाइस में काटे गोल गोल। ये हमने अरवी डाल दी है और अच्छे से मिला दी है। अब इसे हम ढक के रख देंगे। थोड़ी सी लग गई है नीचे से। इसमें अगर आप पतली खाना पसंद करते हैं तो इसमें पानी बढ़ा लें। मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, जिसे बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ गीली सब्जी खाना इतना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आज सूखी बना रही हूँ। आप इसमें दो गिलास तीन गिलास आप चाहे जितना पानी बढ़ा सकते हैं। मैं आधा नींबू डाल रही हूँ, खट्टापन ज़रूरी है इसमें। और मैं नमक भूल गई थी, इसलिए मैंने नमक लास्ट में डाला है, आप मत भूल जाना। सब्जी को फाइनली चला करके और गैस बंद कर देंगे। हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। गाइज, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अगली वीडियो बने। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।